अगली खबर, जहां जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, जरा ये सुनिए। दिक्कत क्या है भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने में? मेरा सवाल है उल्टा, भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने में क्या दिक्कत अगर वहां हो सकती हो? यही तो बंधक है, यही तो डर है। जहां पूरी गुंडे लगे हुए हैं बीजेपी के, जहां पे पूरी बीजेपी की सरकार लगी हुई है येदियुरप्पा की, तो वहां बंदूक गोले पीछे लगा रखे हैं, तो कहां से करेंगे? हिप्नोटाइज कर रखा है, हिप्नोटाइज कर, यहां आएंगे तो हिप्नोटिज्म खत्म हो जाएगा, तन मन खत्म हो जाएगा, यहां जो बोलेंगे वो सही बात होगी। मध्य प्रदेश में फ्लो टेस्ट को लेकर तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन निर्देशों का पालन नहीं होने से राज्यपाल नाराज हुए हैं और इसके बाद राज्यपाल ने एक बार फिर से सीएम कमलनाथ को चिट्ठी लिखी है जिसमें मंगलवार को ही फ्लो टेस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले भी विधानसभा सत्र से पहले राज्यपाल ने सीएम को पत्र लिखकर फ्लो टेस्ट कराने की बात कही थी, जिसके जवाब में सीएम कमलनाथ ने भी पत्र लिखकर फ्लो टेस्ट कराने के लिए विधान सभा अध्यक्ष के अधिकारों का जिक्र किया था। और इसी बीच बीजेपी के सभी विधायकों का दिल्ली जाना रद्द हो गया है। ये सभी विधायक दिल्ली जाने के लिए राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कुछ देर बाद सभी का जाना रद्द किया गया। अब इन सभी बीजेपी विधायकों को सीहोर के होटल ग्रेस में ले जाया गया। बताया जा रहा है कि राज्यपाल लालजी टंडन के पत्र के बाद इन विधायकों का दिल्ली जाना रद्द हुआ। राज्यपाल ने पत्र जारी कर मंगलवार को फ्लो टेस्ट के लिए कहा है। और भोपाल से जहां शाम को सीएम हाउस में विधायकों की बैठक के बाद सीएम कमलनाथ राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे थे। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि फिलहाल उनके पास बहुमत है, संवैधानिक मर्यादाओं के अधीन वो बहुमत परीक्षण के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी और रूप में नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं क्यों बहुमत साबित करूं, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, हम बहुमत साबित कर देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हमारे 16 विधायकों को बंधक बनाकर रखा है। संविधान के दायरे में और विधानसभा के नियम के अनुसार हम पूरी तरह राजी हैं, पर संविधान के बाहर या विधानसभा नियम के बाहर हम जा नहीं सकते, ये मैंने उन्हें कहा है। और आज मैंने उनको भी बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। आज के दिन हमारी सरकार की बहुमत है, हमने पिछले महीनों में ये सिद्ध किया है। अगर कोई कहता है कि हमारी बहुमत नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव लिया है, मुझे क्यों फ्लोर टेस्ट कराना? फ्लोर टेस्ट तो वो करें, और उसका प्रावधान नियमों में है।